रोटरी क्लब और मार्गदर्शन संस्था के तत्वाधान में भानापुर गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हरियाणा के सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने शिरकत की। शिविर में रक्तदान करने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, महिलाओं और गांव के बुजुर्गों का हौसला बढ़ाया। मैं यही कहूंगा कि हम लोग यहां इस गांव में भानापुर में पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और ये यहाँ पर इसीलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे गाँव के सभी लोगों का, ग्राम पंचायत का बहुत सहयोग मिलता है और जो रोटरी क्लब ईस्ट है वो, और एक मार्गदर्शन है जो रोड सेफ्टी में काम करता है, ये तीन संस्थाएं मिलके इस ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती हैं और यहाँ पे तो बहुत अच्छा जोश मिलता है देखने को जब मैं आता हूँ। तो यहाँ पे गांव वालों से लगातार मैं टच में रहता हूँ और आज जो इस एरिया के पुलिसमैन हैं वो भी आए हैं और उन्होंने भी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट किया है, तो ये मेरे लिए, क्योंकि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे लिए एक विशेष खुशी की बात है। और जो ये ब्लड डोनेट हो रहा है आज, ये इसका कुछ हिस्सा थैलेसीमिया के बच्चों को भी जाएगा और ब्लड डोनेशन की तो पहले से ही पूरे हरियाणा में और विशेष तौर पे फरीदाबाद में बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। बहुत अच्छा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही ब्लड डोनेट करने के लिए उत्सुक होते हैं। यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो भी आए हैं और मुझे ये लगता है कि सब लोगों को जो भी दे सकता है ब्लड, उसको ब्लड देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। रोड एक्सीडेंट के केसेस में, डिलीवरी के केसेस में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो अगर उनको समय से ब्लड मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। सबसे पहले भाई साहब आपका स्वागत है गांव भानापुर में। और गांव भानापुर ब्लड डोनेशन कैंप में हर साल हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप होता है और उस कैंप में लगभग 100+ यूनिट हमारे यहाँ रक्तदाता दान करते हैं रक्त को। और अभी लगभग 12 बजे हैं, 12 बजे तक 50 से ऊपर रक्तदान हो चुका है और 2-2.5 बजे तक हमारा 100+ यूनिट हो जाएगा।